तो हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग जियानू, की हाल चाल, कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ भाई। आपका है अभी श्रीलंका में और आज का दिन आपने लिया ना बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज अपने खाना जी का हैप्पी बर्थडे है। पहले मेरे को लग रहा था 6 तारीख को है, पर आजकल आपने देखा होगा दो दो दिन त्यौहार आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा, पर आज ऑफिशियली है, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे, कान्हा जी जब पैदा हुए थे उस टाइम शायद 8 पैर या 8वीं चल रही थी, 8 पैर तो नहीं होते, 4 पैर होते ना, मतलब 8वीं कुछ ऐसी थी। तो आज कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे है एंड सभी को कान्हा जी के हैप्पी बर्थडे बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं भी अगर इंडिया में होता ना तो इस टाइम मैं पता मुंबई में होता, यहाँ पे हड्डियां बोल रहा हूँ। एंड कल वाला ब्लॉग पक्का देख लेना, यहाँ पे हम रावण की लंका देखने के लिए गए थे भाई, वो सोचा था ना उससे तो काफी बड़ी लंका है। पिछला वाला ब्लॉग देखा फिर आपको पता होगा। और अभी हम डिसाइड कर रहे हैं हम कहाँ जाएं। दो ऑप्शन है, मतलब 150 किलोमीटर नॉर्थ वाली साइड, 150 किलोमीटर साउथ वाली साइड। नॉर्थ वाली साइड है भाई अपना राम सेतु, यहाँ से प्रभु श्री रामचंद्र इंडिया से यहाँ पे आए थे श्रीलंका में, और राम सेतु भाई अभी भी पूरा का पूरा दिखता है, तो इसलिए मैंने सोचा राम सेतु भी आपको दिखाऊंगा। बट दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अभी साउथ वाली साइड जा रहे हैं, शायद अभी सोचेंगे, क्योंकि साउथ वाली साइड ना दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो रावण की वहाँ पे गुफा है बहुत बड़ी, यहाँ पे रावण का पंजा लगा हुआ है, दूसरा शायद वहाँ पे रावण को ना ताबूत में बंद करके रखा हुआ है, तीसरा वहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे माता सीता को कैद करके रखा गया था ना अशोक वाटिका में, चौथा वहाँ पे हनुमान जी आए थे ना रामायण में, देखा है कैसे उनकी वाटिका उजाड़ दी थी, वो सारा वहीं पे मिलता है। तो वो वाला हिस्सा भी मेन है भाई, अभी श्रीलंका में आया तो वो वाला हिस्सा तो देखना बनता है ना, हमेशा रामायण में देखते हैं और आपको भी दिखाना बनता है भाई कैसा दिखता है आजकल कलयुग में, वो सारा आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। डोंट वरी, वीडियो लाइक करना और कुछ नहीं करना आपको, तो ठीक है। अभी सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, नहा के हम भी रेडी हो चुके हैं, बस अभी निकल रहे हैं। एंड जी देखो भाई, आज का मौसम काफी बढ़िया है और यहाँ पे कितनी शांत वाइब है, मतलब शांति शांति भाई। यहाँ पे लोगों को ना प्रकृति के साथ जुड़े हुए रहना ज्यादा पसंद लगता है। एंड मैंने आपको कल दिखाया था ना, यहाँ पे नारियल का कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और मैंने आपको कल ये भी बोला था मैं आपको ब्रेकफास्ट में दिखाऊंगा यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है जो हमारे होटल में इंक्लूड है। और हर्ष भाई, राम राम, क्या हाल चाल? मस्त प्रभा, अभी अपनी वीडियो भी अपलोड हो रही है, क्योंकि भाई कल हम ना बहुत ज़्यादा थक गए यार, पूरा दिन मतलब वीडियो बनाते रहे, थक जाता है इंसान बोल बोल के, है तो इंसान ही है। एंड जे चेकआउट करो भाई हमारा ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। पहला ये क्या आज क्या बोलते हैं, अवोकाडो ड्रिंक्स, जे हमें जितनी मर्जी पी सकते हैं, हमारे वेज रोल सैंडविच विद बटर और एग, और ये क्या है जे केले हैं, जे चाय भी है, चाय भी है, पर दूध नहीं रहता है। हाँ, हल्का वाला करेंगे, क्योंकि आपको बताया ना यहाँ पे पापाया वाला जूस बहुत ज़्यादा मिलता है और मेरा फेवरेट है, यहाँ मिल जाए मेरे को पीना ही होता है। ठीक है दोस्तों, आज का दिन शुरू करते हैं, लेकिन कान्हा जी का नाम, जय हो कान्हा जी की, जय हो कान्हा जी। अभी ये खा के ना फिर डिसाइड करते हैं, और एक बार फिर से आपको कान्हा जी के हैप्पी बर्थडे पे बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे दोस्त, अभी निकलने का टाइम हो चुका है, पैकिंग हो चुकी है सारी, बैग हमने उठा लिया है, एंड टाइम हो चुका है इस खूबसूरत सी प्रॉपर्टी को छोड़ने का, और अभी हम जा रहे हैं अशोक वाटिका में। यहाँ पे सीता माता 11 महीने कैद करके रखी गई थी और हनुमान जी आए थे, कैसे उजाड़ी थी अशोक वाटिका, और अब भी कलयुग में कैसी दिखती है वो मैं सारी दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे हमारा 2 दिन रुकने का पता कितना बिल बना है, मतलब 2000 रुपये बना है 2 दिन का, खाना शाना सारा इन्होंने खिलाया एसी वाले रूम थे। एंड कभी भी आओगे ना यहाँ पक्के आना, इसका नाम है विलेज फील होम स्टे, जब आप सर्च करोगे ना सिगरिया में तो आपको ये वाला मिल जाएगा, बड़ा फैमिली वाला प्यार मिलेगा, और यहाँ पे ज़्यादा लोग है भी नहीं है, मज़े से आप मज़े से स्टे कर सकते हो, देखो कितना फ्रेंडली वाला नेचर है यहाँ पे यार। तो अभी हमने एक ऑटो अपने लिए बुक कर लिया, जैसे अपने उधर होता है ना उबर ओला, यहाँ पे होता है पिक मी, तो वो वाला हमने बुक करा है, सस्ता पड़ रहा है, नहीं तो बार्गेनिंग करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो बहुत सस्ता पड़ रहा है, मतलब 1000 रुपये के आसपास पड़ रहा होगा श्रीलंकन करेंसी में, तो वो हमें छोड़ेगा, कहाँ छोड़ेगा आज भाई? दामूल। पहले हमें यहाँ से दामूल जाना पड़ेगा, वहाँ से हमारा 160 किलोमीटर का सफ़र है अशोक वाटिका की ओर, और आज भी मौसम क्या मस्त वाला मौसम है यार। ठीक है भाई, चलते हैं अभी। तो अभी हमने जो ऑटो बुक करा है ना उसका बेटी कर रहे हैं, मैंने बोला है ना यहाँ पे बारिश आने का कोई भी टाइम नहीं है भाई, इतनी जल्दी बारिश आती है ना, देखो एकदम से सारा बिगा देती है, देखो गीला हो गया सारा ही भाई। भाई जो वाला ऑटो हमने बुक करा था ना वो तो आया ही नहीं है, और सेम जो उसको हमने प्राइस पे करना था ना उसी प्राइस में हमें ये वाला ऑटो मिल गया है। चलो भाई चलते हैं। तो
सामने दोस्तों रावण की लंका, अभी फिलहाल गुड बाय बोल के जा रहे हैं। दिख रही है ना ऊपर कितनी ज़्यादा बारिश हो रही होगी अभी। ठीक है भाई चलते हैं फिर आएंगे। एंड वो मेरा हाथी दोस्त, मैंने सोचा कल सवारी करूँगा बट वापस आते आते इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया ना, टाइम ही नहीं मिला, फिर कोई नहीं आगे पीछे कर लेंगे। एंड वो रही भाई रावण की लंका, दिख रही है ना कितना बड़ा पठार है भाई। और भाई साहब जब हम सिगेरिया में आए थे ना, मतलब रावण की लंका देखने के लिए, उस दिन भी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और आज भी भाई तगड़ी वाली बारिश हो रही है। और आज भी हमें पूरा दिन गाड़ी में स्पेंड करना है, मान के चलो 150 किलोमीटर है, 3-4 गाड़ियाँ चेंज करनी है मतलब। और भाई साहब आपको लग रहा होगा लंका वही तक है, लंका यहाँ भी है, कम से कम 6 किलोमीटर बाहर आ चुके हैं ना। जैसे लंका के बाहर बने हुए थे ना पुराने वाले घर, ये टूट चुके हैं, इधर भी सेम टू सेम बहुत सारे बने हुए हैं। एंड ये देखो भाई पुराने पुराने घर कितने मस्त वाले बनाए हुए हैं। यहाँ पे टूरिस्ट के लिए इतना सारा, यहाँ पे टूरिस्ट के लिए इतने सारे हट्स बने हुए हैं ना रुकने के लिए, क्या मज़ा आता है यार यहाँ पे। वो फील आती है जो हम माइंड में सोच के आते हैं ना, वहाँ पे शांति शांति होगी, मजे से हम घूमेंगे, सेम ऐसा ही है यार, मज़ा आ जाता है। ठीक है भाई अभी देखते हैं दाम्बोला से बस मिलती है नहीं मिलती है। भाई यहाँ पे ना एक चीज़ बड़ी मस्त रहती है, गाड़ी में ना उतना ही तेल डालते हैं जितना इनको जाना होता है। यहाँ पे रुक गई जैसे अभी खत्म हो गया, फिर से डाला फिर से निकले, ये चीज मेरे को आते हुए भी दिखी थी ना, उसकी गाड़ी का भी तेल खत्म हो गया, तेल डाला फिर निकल पड़ा। पर अभी इसने भी थोड़ा डाला होगा आधा लीटर, अभी ये चलाएगा यहाँ पे खत्म होगा फिर से डालेगा। ठीक है भरा लगता है टंकी छोटी होगी, हाँ टंकी छोटी है। तो अभी टाइम हो चुका है अपनी ड्यूटी देने का, नहीं समझे मतलब वेट करने का, बस आएगी फिर हम जाएंगे। 150 किलोमीटर है, 5 घंटे लगने वाले हैं आज भी, और गाड़ियाँ 3-4 चेंज करनी पड़ेगी। और आपको लग रहा होगा हम ना तेज भाग रहे हैं, भाई तेज नहीं भाग रहे क्योंकि हमारे पास ना टाइम कम है और जगह काफ़ी दूर दूर है, हमें जल्दी से कवर करनी पड़ेगी, इसलिए ज़्यादातर टाइम ना हम आपको बसों में ट्रेनों में धक्के खाते हुए मिलेंगे। और जहाँ पे हम जा रहे हैं ना नुमेरा इला, और वहाँ पे 5-6 जगह है आसपास ही है, वहाँ पे हम रुकेंगे शायद 3-4 दिन। उसके बाद फिर हमें राम सेतु की ओर जाना है, जो कि एक लंबी सी ट्रेन लेंगे, वो सारा आपको पता चल ही जाएगा। बट फिलहाल मैं अभी अपनी ड्यूटी कर लेता हूँ, देखता हूँ गाड़ी कितने टाइम में आती है। यहाँ पे बहुत बारिश होती है, एंड बारिश होने के बाद पता नहीं चलता कि यहाँ पे बारिश हुई है, मतलब 2 मिनट में ही सारा सूख जाता है यहाँ पे। ठीक है देखते हैं कब आती है बस। और भाई क्या कह रहा था, भाई वैसे अंडमान निकोबार घूमने गया था, इसको वही वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही है। सेम भाई। तो मैं तो नहीं गया हूँ, मैं तो जाने वाला हूँ अंडमान निकोबार, क्योंकि भाई ने मुझे बताया बिल्कुल ऐसे ही, और मुझे तो श्रीलंका बहुत अच्छा लगा। तो अंडमान निकोबार तो हमारे इंडिया का एक हिस्सा है, तो हमारा तो बनता ही वहाँ जाना भाई। चली गई 41 है, यहाँ पे ना बसों के ऊपर ना नंबर लिखे होते हैं, जी है 41, हमारी है 48, कुछ ऐसा ही है ना। आ गई भाई अपनी 48 आ गई। चल भाई जे रही भाई अपनी 48 नंबर की बस। इतनी बेइज्जती अपनी कभी नहीं हुई जितनी यहाँ की हुई, इसका बदला लिया जाएगा। हेलो जी, शायद उन्होंने देखा कैमरा शैमरा यूट्यूबर बिठाया नहीं। एक और आ गई 45। चलो भाई गुज्जा पहले वाले बंदे को शायद यूट्यूबरों से नफरत होगी, इसलिए उसने बिठाया ही नहीं भाई, इवन की बस वही वाली थी। चलो जो भी होता है अच्छा होता है भाई। वो सामने दुकान पे ना आप केले देख रहे होंगे, लाल और काले कलर के केले ना मैंने पहली बार देखे भाई, सच्ची मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, अगर दिख पाए तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, अरे कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहे होंगे भाई, दिख रहे हैं ना काले कलर के एंड रेड कलर के भाई केले। तो मेरे दोस्तों अभी हमने लिया ब्रेक, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना लंबे रूट पे, ये बस चल दिया ना मेरे जम्मू से दिल्ली की ओर चल दिया, तो भाई बीच में ना एक बार रुकती है खाना खाने के लिए, सेम वैसी अभी रुकी है खाना खाने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं कैंडी के लिए, मैंने आपको बताया था ना पहले हमें 3-4 बसें चेंज करनी पड़ती, फिर ना भाई किस्मत खुल गई हमें सीधी कैंडी के लिए बस मिल गई। कैंडी का मतलब हो गया कोई एक सेंटर में जगह आती है, मतलब वहाँ तक सीधी बस जाएगी और हमारा मतलब टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि बस बार बार चेंज करनी हो ना तो हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि एक नंबर की बस आगे पीछे चली जाती है कभी कभी। ठीक है अभी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, पता नहीं कितने टाइम रुकेगी यहाँ पे। एंड मौसम देखो यार कितना शानदार है भाई। ठीक है भाई
मुझे लग रहा है श्रीलंका में आने के बाद ना हमारा मैक्सिमम सफर ना बस में गुजरेगा, क्योंकि जो टूरिस्ट वाली जगह होती है ना बहुत दूर दूर होती है। इंडिया 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 हाँ दोहा का हाँ भाई, श्रीलंका में ना लॉटरी वाला बड़ा क्रेज होता है, हर जगह लॉटरी बिकती है एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है ना। इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड लॉटरी? लॉटरी व्हाट इज द प्राइस? हु फर्स्ट नंबर? फर्स्ट नंबर हाँ 1 lakh? आई एम नॉट, आई एम नॉट दैट नॉट ओके। दिस नंबर हेड अप इज हाउ मच मनी विल गेट इफ वन लॉटरी 40 rupees 40 rupees 40 rupees and prize winner yeah. winning prize how much? Winning prize if this are at 96 million pola, you know. 96 million yeah. daily yeah okay बस अब श्रीलंका में ना लॉटरी वाला बड़ा क्रेज होता है, हर जगह आपको ना लॉटरी मिलेगी यहाँ पे और गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ही, मतलब इसमें चीटिंग शीटिंग नहीं होती एंड गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है इसमें। क्या मैस? ओके 100 rupees ओके बुट्टा बुट्टा कह रहा भाई, हम मेज बोल रहे हैं, वो इंग्लिश में मेज बोलते हैं ना। तो फिर उसे कौन किसे कहते हैं? यू आर फ्रेंड ना? कौन दाने को बोलते हैं इसके? यू आर फ्रेंड? हां माय फ्रेंड। ओके ओके इज सिंह सरदार या या सिख मिर्च से माता मिर्च से या बाद में भाई भाई का तरीका बड़ा अच्छा, पहले मेरे को घुमाने के लिए लेके आया, फिर बोल रहा है खरीद ही ले, मैंने बोला ठीक है भाई खरीद लेते हैं, सही है ना, अब वीडियो बना रहे हैं खरीदनी तो पड़ेगी। ओह थैंक यू, पर मैंने बोला है ना ये पन्नी साथ में देते हैं, खाने के बाद ना कचरा इसमें डाल लो, क्योंकि आसपास आपको ना कोई कचरा नहीं मिलेगा, थोड़ा भी नहीं। ठीक है भाई खा लेता हूँ, थैंक यू। हाउ मच? 100 rupees ओके। इंडिया का प्राइस हो गया 25 rupees की एक। अरे बड़ी गर्म है भाई, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, पीछे दीदी दिख रही है, वो मेरी वीडियो बनाई जा रही है कब से। ओके थैंक यू वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम रशिया। एंड यू? रशिया। रशिया ओह सोवियत। कागजबूत? माय नेम इज दरिया। दरिया माय नेम अंकुश राजपूत। यू हैव यूट्यूब चैनल? या या ओह एके राजपूत। I'll follow you. Oh, thank you. YouTube channel? Yeah. Can you write me? I also have YouTube channel. AK Rajput JK. JNK. भाई ये रशियन दीदी है ना कब से मेरी फैन हो गई है, जहाँ मैं जा रहा हूँ ना मेरी वीडियो बनाई जा रही है कब से। ठीक है मैंने बोला दे ही देते हैं उसे अपना नंबर। ओ नंबर नहीं दिया है भाई, इंस्टा ओ यूट्यूब आईडी दिया है। नहीं देने का मन तो था नंबर नहीं यार, वो मतलब दीदी बोला है ना, साथ में बड़ी भी है, थोड़ी रिस्पेक्ट बनती है, अपनी एज की होती तो बात कुछ और होती। वैसे भी इंडियन रशियन को ज़्यादा लव करते हैं ना, पसंद करते हैं, पसंद करते हैं, अपनी दोस्ती अच्छी है ना रशिया के साथ, सही है ना? ये बात तो सच है। हाँ लो भाई पूरे 3 घंटे का सफर तय करके हम पहुंच चुके हैं, कोई कैंडी कैंडी शहर है भाई, बहुत बड़ा शहर है इनका। एंड आपको बताना बस में सफर करने की आदत नहीं है भाई, थक गए कम से कम 3 घंटे से एक सीट पे बैठे हुए हैं, पर यार अभी बैड न्यूज़ बता क्या, अभी 3-4 घंटे का और सफर बचा हुआ है, पूरा अभी आधा सफर हुआ है एंड 2 बज चुके हैं दोपहर के। एंड क्या मस्त वाली सिटी है यार, बड़ी खूबसूरत सिटी है। ठीक है भाई अर्श भाई गया अभी पीसी करने, फिर देखते हैं कौन सी बस जा रही है। ये वाला रूट ना सीधा था बिल्कुल, अभी घुमा फिरा के रूट आने वाला है, और सुबह से कम 5-6 बार तो बारिश हो चुकी है। और मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ पता है, मेरे को पहले लगा ये ना किसी चीज़ के अंडे बिक रहे हैं, पर बाद में पता चला ये भाई कुछ हो रही है, पता नहीं चल रहा भाई क्या चीज़ है ये। मेरे को लगा किसी शत्रुमुर्ग के अंडे है, मुझे पहले ऐसा लगा गाड़ी के अंदर, बाद में पता चला कि कोई खाने वाला फ्रूट होगा। एंड मैं आपको ना एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो कितना यूनिक सा कुछ फल है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है बादाम को ना उबाला गया है, बाद में पता चला कुछ हो रही है, काला काला दिख रहा है ना, कुछ यूनिक सा है।
लो भाई साहब, टहलते टहलते हम पहुंच चुके हैं कैंडी के बस स्टैंड पे, पहले से पहुंचे हुए हैं। अभी अपनी बस का वेट कर रहे हैं जो हमें लेके जाएगी सीधा एला की ओर। और अभी हमें पता नहीं चल रहा भाई, इतनी सारी बसेस हैं और हम भी सर्च कर रहे हैं, काफ़ी सारे बसेस दिखाए जा रहे हैं। और शुक्र है एक इंडियन भाई मिल चुका था, और पीछे ना मेरे को एक आंटी मिली, उस टाइम मैंने कैमरा ऑन नहीं करा था। आंटी पता क्या बोल रही थी, इंडियन अच्छे नहीं होते। मेरे मन में पता क्या ख्याल आया, मैंने बोला पक्का आंटी से इंडिया आई होगी, किसी से दिल लग गया होगा, बाद में उसने धोखा दे दिया इसलिए बोल दिया कि इंडियन अच्छे नहीं होते। थोड़ा बुरा लगा बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। तो अब मैं ढूंढ रहा था कब से पपाया वाला जूस, आपको पता ना पपीते वाला जूस मेरा फेवरेट है, और काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे अंकुश वो मत पिया कर, मतलब हानिकारक होता है। भाई बता देना कमेंट करके, ज़्यादा हानिकारक होता होगा तो मैं छोड़ दूंगा, सही है ना। अभी मेरे को मिला तो नहीं है यहाँ पे। एंड क्या खूबसूरत सिटी है भाई, सच्ची खूबसूरत मेरे को इसलिए लगती है, यहाँ पे कम लोग होते हैं ना, सफाई हुई होती है ना, वो मेरे को हमेशा खूबसूरत जगह लगती है। ठीक है, अभी पपीते का जूस तो नहीं है, कॉफ़ी शॉफी पी के काम चला लेते हैं। भैया वन मसाला टी हाउ मच, कितना? अच्छा 150 रुपया लिखा हुआ है यहाँ पे। लो भाई देख लो, 150 रुपये की एक चाय है यहाँ पे, 150। एनी डिस्काउंट ब्रो, एनी डिस्काउंट? आई एम फ्रॉम इंडिया, गिव मी सम डिस्काउंट। भाई को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए वैसे भी। जी लो भाई जी 150 रुपया, ओके। यू हैव पपाया जूस? नो। वेयर इज अवेलेबल नियर बाय? ऑरेंज जूस। ऑरेंज? नो नॉट ऑरेंज, ओनली पपीता। पपाया? नो। ओके थैंक यू भाई। अभी ना हमारे पास ना दो ऑप्शन है, एक बस जाएगी शाम के 7 बजे, मतलब अभी 4 घंटे बचे हुए हैं, दूसरी बस मतलब 2-3 बसें चेंज करके जाना पड़ेगा। लोग बड़े अच्छे हैं, मतलब बता देते हैं, बट ये नहीं पता चल रहा है वो बस कहाँ पे है जो हमें लेके जाएगी भाई। वो भाई कितनी मस्त चीज़ है, दिख रहा है ना, अरे क्या चीज़ है। हेलो, हाँ भाई इंडिया का मैच रद्द करवा दो क्योंकि मेरे को टिकट नहीं मिली है। अच्छा वो कितना मस्त बना हुआ है यार ये वाला, चलता है ऐसा भाई? इस पर नंबरिंग नहीं आ रही, शायद बंद हो चुका है, मुझे लग रहा है टेक 2 है। ओ भाई ऊपर सिक्के अटके हुए हैं बीच में, किसी ने डाला आगे गया ही नहीं होगा, है ना। वो डाला भी कार्ड वाली जगह पे, कार्ड बना हुआ है। कार्ड है, सिक्के कहाँ डालते हैं फिर? यहाँ डालते हैं सिक्के, कॉइन बना है। गलत डाल दिया, कार्ड डाला। सॉरी सॉरी। चलो ठीक है भाई। हेलो भाई, धोनी को बोलो कि मैं रद्द करवा दें, हमें टिकटें नहीं मिली है, मैच की टिकटें नहीं मिली, बारिश आ सकती है, कैंडी में बारिश हो रही है। ठीक है, मैच तुझे पता है मैच इधर ही होता है कैंडी में। अच्छा हाँ सही है, फिर कैंडी रुकते हैं। कैंडी सच्ची मैच यहाँ पे है 10 तारीख को, अभी पता नहीं बारिश होगी तो रद्द हो सकता है। ठीक है ठीक है, वैसे तुमने तो बोली थी रद्द हो रही है। चल ठीक है, ये कौन सा कॉल चल रहा है, सुनता कौन है। हाँ चल भाई। बिना एक चीज़ बड़ी अच्छी है, जब भी हम किसी को एड्रेस पूछते हैं ना वो हमें छोड़ने के लिए चला जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है। अभी हमने भाई को पूछा नोमैरा इंडिया के लिए कौन सी बस है, वो छोड़ने के लिए आ गया। मिल गई, बढ़िया लोग हैं। कौन सी है, ये कितने बजे चलेगी पता है? हाँ कितने बजे चलेगी? बस थोड़ी बहुत देर में चलने वाली है। पक्का है ना? थोड़ी बहुत देर में चलने वाली है। हिंदी थोड़ा जानता है। इट्स गोइंग इन 2-4 मिनट्स। ठीक है भाई, जब तक गाड़ी चलती है ना थोड़ा बहुत खा लेते हैं, क्योंकि दोपहर को हमने कुछ नहीं खाया, खाना नहीं है। वो तेरे लिए बोला था, मैंने तो खाना है कुछ, ये मुझे भूखा मारेगा। अरे 100 रुपये का बर्गर है पर नॉन वेज है, नॉन वेज है। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत ना कैरी कर लेते हैं क्योंकि अभी भी अपना 3-4 घंटे का सफ़र है एक जगह बैठ के, और जब से हम श्रीलंका आए ना दोपहर वाला खाना हमने कभी नहीं खाया भाई, मतलब ढंग से खाना नहीं खाया हमने, डाइटिंग कर रहे हैं। मेरे दोस्त अभी चेकआउट करो, सुबह इस गाड़ी में बैठे थे, इस गाड़ी में नहीं मतलब सुबह से गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं, एंड अभी शाम हो चुकी है, सर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। सर में पेन इसलिए हो रहा है भाई, एक तो यहाँ पे मोड़ बहुत सारे हैं, मैं वो आपको दिखाता हूँ, और दूसरा यहाँ पे गाड़ियों में ना एक तो लाइट बड़ी अच्छी होती है, दूसरा भाई लाउड स्पीकर पे ना इतनी ज़ोर से गाने बजाते हैं, और सुबह से हमने 2 गाड़ियाँ चेंज करी है ना, सुबह से गाने बज रहे हैं, सर में इतना पेन हो रहा है ना, और उल्टी होने का मन पता क्यों हो रहा है। पहले आप बाहर वाला वेदर चेकआउट करो, क्या मस्त वाला वेदर है भाई। मैंने सोचा नहीं था कि श्रीलंका में भी भाई इतनी ज़्यादा ठंड होती होगी, वो भी श्रीलंका के साउथ वाले पोर्शन पे इतनी ज़्यादा ठंड भाई अभी मनाली में भी नहीं होगी जितनी यहाँ पे ठंड है अभी। एंड मौसम चेकआउट करो यार, पीछे ना बहुत सारे बादल दिख रहे होंगे साइड पे आपको, भी बहुत सारे थे, और इतने सारे मोड़ आते हैं ना यहाँ पे टेढ़े मेढ़े, देखो कितने मोड़ है भाई, सर चकराना शुरू हो जाता है।
ओके, देखते रहो भाई। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सभी ने जैकेट पहनी हुई है। तभी मैंने बोला कि शिमला से ज्यादा ठंड तो यहाँ पे पड़ रही है भाई, श्रीलंका। अब ये जगह ना स्वर्ग से कम नहीं है, दिख रहा है ना। और सीता माता को यहीं पे रखा गया था, और अशोक वाटिका भी इधर ही है। वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में तो बता दूंगा, दिखा दूंगा कहाँ पे है। पर मैं और अर्श भाई जब चेन्नई से निकल रहे थे ना, हम दोनों सलाह कर रहे थे, अगर अर्श भाई मतलब श्रीलंका में बहुत ज़्यादा ठंड होगी ना, तो हम ना अपनी डेट वैसे 22 तारीख है ना वापस जाने की, हम पहले वापस निकल जाएंगे, क्योंकि गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि हम सोच रहे थे चेन्नई में गर्मी पड़ रही है तो श्रीलंका में भी गर्मी होगी, पर यहाँ तो सभी लोगों ने जैकेट पहनी हुई है। मतलब ये सोचा भी नहीं था, वो हो चुका है कि इतनी ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे। एंड सर्दियों में क्या हाल होता होगा भाई यहाँ पे, देखो हर जगह बादल उड़ रहे हैं भाई। लो मेरे दोस्त, सुबह से फाइनली 12 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंच चुके हैं अशोक वाटिका के आसपास, यहीं पे होगी आसपास, अभी मुझे पता नहीं है भाई। गाड़ी में जितने भी लोग बैठे थे ना, जब बैठे थे ना सारे मतलब टी शर्ट में बैठे थे, जब अभी उतरे हैं ना सभी ने जैकेट पहनी हुई थी। और मेरे सर में भाई इतनी ज़्यादा हवा लगी है ना, मतलब वीडियो बना रहा था लास्ट टाइम, आपको बताया ना मुंडी बाहर निकाल निकाल के, मुझे लग रहा बुखार हो जाएगा यार, इतनी ज़्यादा ठंड है भाई। जितने भी लोग दिख रहे हैं ना सभी ने जैकेट पहनी हुई है, कोई होगा बेचारा मेरे जैसा टी शर्ट जिसे पता नहीं होगा यहाँ पे ठंड है। ठीक है, अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अभी अर्श भाई को ढूंढना पड़ेगा भाई बस। अरे क्या हो गया, बिग गया मैं सारा, बस से हम इकट्ठे उतरे, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हमारा होटल भी आसपास ही होगा, होटल में जाके मिलता हूँ भाई, बुखार हो जाएगा ना, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी मेरी, ऑस्ट्रेलिया की बोल रहा हूँ, मेरी श्रीलंका की ट्रिप ख़राब हो जाएगी यार, बड़ी बारिश हो रही है। चलो भाई, अर्श भाई कहाँ चला गया यार। एंड इस जगह का नाम है नोमैरा इला, कुछ ऐसा ही है। लो भाई, छोटा सा ना और पोपट हो चुका है। अभी हमें पता चला यहाँ से ना हमें 6 किलोमीटर बाहर जाना है, मतलब सिटी के आगे पीछे। यहाँ पे हमने होटल बुक करा हुआ है, क्योंकि अर्श भाई ने करा है, और ये सेंटर वाला पार्ट है तो होटल आगे पीछे होगा, यहाँ पे अशोक वाटिका होगी 6 किलोमीटर। तो हमने सोचा क्यों ना अभी खाना खा लेते हैं, पता नहीं वहाँ पे होगा या नहीं होगा, इतना पता है होगा क्योंकि हमने दोपहर से खाया नहीं है ना। और आज आपको बताया ना कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे है, एंड टाइम हो चुका है शाम के 7, और मेरे को ना यहाँ पे कोई नहीं दिखा जो कान्हा जी का मंदिर हो या फिर कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे मना रहा हो, कोई झांकी निकल रही हो। क्योंकि अपने इंडिया वाली साइड तो पता है आपको, गलियों गलियों में आज कान्हा जी राधा जी बने होते हैं, झांकी निकल रही होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ठीक है भाई, याद कर लेना, मतलब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आएगी ना, सोच लेना कि मैं भी इस टाइम पूरी भक्ति में झूम रहा हूँ सच्ची। जय हो कान्हा जी की। एंड ठीक है, अभी खाना खा लेते हैं। यहाँ पे खाना कितने का मिल रहा है, जो हमारे वहाँ पे मतलब नॉन वेज वाली मील मिल रही है, तो वेज वाली सोच लेना कि 300-400 रुपये कम होगी, 800 रुपये है भाई वेज वाली मील। वेज में मतलब इसमें अंडे निकाल दो तो वेज वाली बन जाएगी, 800 रुपये की सच्ची यार। चलो भाई खाना खा लेते हैं। हर्ष भाई ऑर्डर कर दिया, कर रहा है भाई। एक टाइम था कि मन करता था सब कुछ खा लें, अभी वो टाइम है कि सब कुछ है अपने पास, पैसे मुझसे हैं बट खा ही नहीं सकते, वही पेट की टेंशन, पेट निकल जाएगा, कुछ हो जाएगा। सारे मेरे को देख रहे हैं क्या कर रहा है अंकुश। देखो भाई यहाँ पे प्राइस कितने बड़े बड़े होते हैं, 140 का एक पीस, 240 का एक पीस, बट अगर हम इंडियन करेंसी में मतलब ट्रांसलेट कर लेंगे ना तो यही होगा, ये मतलब 30 रुपये का, 25 रुपये का, कुछ ऐसा ही होगा, दिख रहा है ना। क्या हुआ, लस्सी गर्म करके पी लेंगे फिर। बोलता हूँ गर्म करने ना भाई, मैं नहीं पी रहा, मुझे ऑलरेडी बुखार है। लो मेरे दोस्तों, चेकआउट करो, 5-6 किलोमीटर और सफर तय करके हम पहुंच चुके हैं अपने $5 वाले होटल में। और आपको बताया ना आज मेरे को ना हवा लग चुकी है भाई, आते मैंने कंबल से अपने आप को ढक लिया कि बुखार ना हो जाए, नहीं तो सारी श्रीलंका की ट्रिप ना खराब हो जाएगी। और कल हम जाएंगे भाई अशोक वाटिका में, यहाँ पे सीता माता रुके थे और हनुमान जी ने सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी थी ना, मैं कल आपको दिखाऊंगा कैसी दिखती है। और ठीक है, एक बार फिर से आप सभी को कान्हा जी के हैप्पी बर्थडे में बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी आप रात का वेट कर रहे होंगे, 12 बजे हुआ था ना कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे, और तब तक मैं शायद सो जाऊंगा क्योंकि अभी वीडियो एडिट करने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं नए व्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर, जय भारत, जय हो कान्हा जी की, बाय बाय।